यहाँ पे 75% हमारे जादो भाई लोग हैं और वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि हम फंसेंगे तो तेजस्वी जी फोन उठाए या ना उठाए, नीतीश जी फोन उठाए या ना उठाए, मोदी जी फोन उठाए या ना उठाए, अगर मनीष कश्यप सांसद बनेगा उसके दरवाजे पे जाएंगे तो वहाँ हमारा काम जरूर करेगा। 75% जादो हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष होंगे, जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष होंगे उनको भी रोजगार देंगे, क्योंकि 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा मैं मनीष कश्यप। अगर नहीं दे पाया तो 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। रक्सौल एयरपोर्ट बनवाएंगे, लिख के दे दे। हम रोड बनवाएंगे, लिख के दे दे। रोजगार देंगे, लिख के दे दे। और अगर स्टाम्प पेपर पे लिख के ना दे तो एक बार मनीष कश्यप से लुटवाने के लिए तैयार रहिए। बिहार का बच्चा तमिलनाडु में जाके काम कर सकता है तो हम विकास पर कैसा काम नहीं काम करेंगे कि तमिलनाडु का बच्चा है कि बिहार में काम करे। अगर आपका फोन डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, आप वोट दीजिए, उनका चेहरा देंगे। ससुरा फिर एफआईआर कराएगा मेरे ऊपर। पत्रकार यूट्यूबर है और मेरा छोटा भाई। हम लोग वाल्मीकि नगर, शिवहर जी, बेतिया जी, सिवान जी, और गुंजन सिंह जी के लिए नवादा, पवन सिंह जी जहां से भी लड़ना चाहे वो जगह, उसके अलावा जो है गोपालगंज और कुछ सीट पे जो है हम लोगों का बातचीत चल रहा है। जैसे पार्टी जो है यूनाइट होके लड़ता है तो हम निर्दलीय लोग भी यूनाइट होके लड़ेंगे। हम सभी लोग एक दूसरे का ताकत बनेंगे, सहारा बनेंगे और नया बिहार का न्यू डालेंगे। और शुरुआत जो है चंपारण से होगा। मनीष कश्यप बिहार के सबसे चर्चित चेहरा है, सीएम से भी ज्यादा लोग इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं और लोग चाहते भी है। ससुरा फिर एफआईआर कराएगा मेरे ऊपर। पत्रकार यूट्यूबर है और मेरा छोटा भाई भी है और इतना ना चना के झाड़ पे चढ़ा देता है कि फिर से एफआईआर कराएगा। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? नरकटिया विधानसभा में भैया बहुत फेमस थे, बहुत काम करते थे और इनके दरवाजे पे बड़े बड़े नेता आते थे। भैया सही है कि नहीं है? सही है। ठीक है, इनके बारे में आप पता कर लीजिए किसी से। टिकट नहीं मिला इनको, नहीं मिला, चुनाव लड़े ये। हम लोग लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे, एकदम हम लोग सत्य के रास्ते पे हमेशा रहेंगे, लड़ेंगे और जब हम गलत हो जाएंगे तो हमारा साथ मत देना आप लोग, किसी और सही व्यक्ति का साथ देना। जब तक इन लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप सही है, भैया सही है, हमारे मित्र सही है, तब तक ये लोग हमारा साथ देंगे। जब लगेगा कि हम गलत है तो पिछले किसी का साथ देंगे। अच्छा, हम इतना जानते हैं कि हम लड़ेंगे राम मंदिर को और मजबूती प्रदान करने के लिए लड़ेंगे। हालांकि मेरे जैसे व्यक्ति से राम मंदिर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन हम अपना गिलहरी प्रयास करेंगे। हम सीतामढ़ी में राम माँ जानकी का भव्य मंदिर बनवाने के लिए लड़ेंगे। मॉडल है उसे अप्लाई करने के लिए लड़ेंगे और हमारा लड़ना जरूरी है क्योंकि हमारा लड़ना और हमारा जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे का सपना जीत जाएगा, अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे का सपना जीत जाएगा, अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे के माँ बाप जीत जाएंगे। अगर आपका फोन डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, आप वोट दीजिए उनका चेहरा देख के। अगर राहुल गांधी जी आपका फोन उठाते हैं और पश्चिमी चंपारण के समस्याओं का समाधान डायरेक्ट राहुल गांधी कर सकते हैं तो आप वोट दीजिए। लेकिन अगर ये दोनों नहीं कर सकते, आपके सांसद महोदय करेंगे, तो चुनिए मनीष कश्यप को, वादा करता हूँ। 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा मैं मनीष कश्यप। अगर नहीं दे पाया तो 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और साथ ही साथ 5 साल तक सरकार जो मुझे सैलरी दी होगी संसद के रूप में, वो सारा का सारा पैसा सरकार को वापस लौटा दूंगा और ये बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा।
हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष होंगे, जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष होंगे, उनको भी रोजगार देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष को रोजगार नहीं देता है, क्योंकि 5 साल बाद उन लोगों से फिर वही का मुआ कराना है। और हम अपने सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर जितना भी मेरा बूथ अध्यक्ष होगा, जितना भी प्रखंड अध्यक्ष होगा, जितना भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा वाइज भी हम अध्यक्ष चुनेंगे, और जितना भी जिला अध्यक्ष होंगे उन सबको सबसे पहले रोजगार, और 4.5 साल के अंदर अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार, 25,000 बच्चियों को फ्री में पढ़ाएंगे, और पहला साल से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, 1 भी रुपया नहीं लगने देंगे 25,000 बच्चियों को। 10,000 बच्चियों को पहले साल के बाद, 1 साल होने के कम्प्लीट होने के बाद, पहले साल के बाद 10,000 बच्चियों को जो है जूडो कराटा का ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। और ये काम अगर इससे बढ़िया काम कोई करे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, तो आप उसको वोट दीजिए, और अगर स्टाम्प पेपर पे लिख के ना दे तो एक बार मनीष कश्यप से लुटवाने के लिए तैयार रहिए। खपड़ा का घर है, कुछ नहीं करेंगे तो अपना तो पक्का का बनवा लेंगे ना, तो कम से कम आपका वोट के वजह से वो गरीब का गरीबी दूर हो जाएगा ना। और अगर हम कुछ कर दिए तब क्या होगा, अगर हम कुछ कर दिए तब, और हम जो भी करेंगे भाई, अगर घोषणा हो ही रहा है, नेताजी बोलिए ना हम यही काम करेंगे, तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दे, रक्सौल एयरपोर्ट बनवाएंगे लिख के दे दे, हम रोड बनवाएंगे लिख के दे दे, रोजगार देंगे लिख के दे दे, कुछ नहीं, जो चुनाव लड़े 5 गो चापा कल ही हलवाएंगे, लेकिन लिख के लेंगे तबे वोट देंगे, 5 गो चौपे कल हलवाएंगे, 5 साल में कुछ मत कीजिए, 5 गो चापा कल जो है 5,000 का हलवा दीजिए, 25,000 का चापा कल हलवा दीजिए, लेकिन लिख के दीजिए कि 5 गो चापा कल हम हलवाएंगे, वरना आप लोगों के बातों पे भरोसा नहीं है। 75 साल से चंपारण के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे। क्वेश्चन, एक तीखा क्वेश्चन। अरे तुम आप कह रहे हैं भाई, वो तीखा कहाँ से पूछोगे? आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक देखा गया है कि पूरे बिहार में जितने भी सांसद बने हैं अभी तक कोई नहीं दिया है। क्या सांसद की पावर इतना होता है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे पाए? सूरत में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है एक शहर में। कितना शहर में? एक शहर में। और सी आर पाटिल वहाँ के सांसद है। कौन है? सी आर पाटिल भाजपा के, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं। सूरत शहर में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और 50 लाख लोगों में से 25 लाख लोगों को रोजगार जो है सी आर पाटिल की वजह से मिला है, यानी वहाँ के सांसद की वजह से मिला है। तो जब सी आर पाटिल के वजह से 25 लाख लोगों को रोजगार सूरत शहर में मिल सकता है, तो मनीष कश्यप की वजह से 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है? शहर जो सन 2002 में दुनिया में सबसे गंदा शहर में से एक था, सन 2002 में सूरत शहर दुनिया का सबसे गंदा शहर में से एक था, आज सबसे स्वच्छ शहर में से एक है सूरत शहर। तो जब सूरत का विकास हो सकता है, जब बनारस का विकास हो सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, जब राजस्थान का विकास हो सकता है, गुजरात का, तमिलनाडु का विकास हो, तमिलनाडु कौन कौन काम करता है यहाँ पे, हाथ उठाइए तो, और क्या काम करते लोग? तमिलनाडु। तो जब बिहार का बच्चा तमिलनाडु में जाके काम कर सकता है, तो हम विकास पर ऐसा काय नहीं काम करेंगे कि तमिलनाडु का बच्चा आके बिहार में काम करे। कंपनी का मालिक बनेगा, और तमिलनाडु के लोग आके उस कंपनी में काम करेंगे, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे, इस प्रकार का बिहार का विकास करेंगे, और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे स्टाम्प पेपर पे लिख के। अगर नहीं भरोसा है तो दूसरे किसी को वोट दे दीजिए। अगर मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जीतेंगे तो ये सब करवाएंगे, अगर नहीं जीते हैं तो? नहीं जीतते हैं तो मतलब कि नहीं जीत, देखिए विश्वास और घमंड में थोड़ा सा फर्क है। विश्वास ये है कि मैं जीतूंगा, और घमंड ये है कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा। तो मुझे विश्वास ये है कि मैं
जीतूंगा। सिर्फ मैं ही जीतूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और मेरे जैसे अनेकों लोग जीतेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा और मैं जीतूंगा और काम करूंगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जितने भी सांसद अभी मतलब जिनको टिकट मिला है वो पहले सांसद थे, 95% से ज्यादा, लेकिन नया लोगों को इसमें नहीं दिया गया है जगह, युवाओं को नहीं दिया गया, इस पर आप क्या राय? इस पे जाके पार्टी से पूछिए, हम अपना चंपारण के बारे में बताएंगे, इस पे जाके आला कमान से पूछिए, क्या चंपारण के लाल कमाल कर पाएंगे आपके? चंपारण के लाल, चंपारण के लाल बोल दिया, बोल दिया कमाल होना बाकी है। और इतना लोग जो है किसी को भी मनीष का सर ने बुलाया हो तो पूछ लीजिए, किसको नहीं मनीष का सर बुलाया आपको? देखिए कमाल प्यार है, प्यार है, प्यार है इन लोगों का, हो गया कमाल, ये चीज है। पाँच साल में भैया से भी पूछिए, आप पूछिए। अच्छा आप वहाँ पे चुनाव लड़े थे, क्या कहा चुप हुआ कि आप हार गए विधायक, क्या लड़े थे? प्रयास नहीं जीतेंगे, प्रयास नहीं जीतेंगे। आप इस बार भी जिला प्रशासन, सुनिए एक और बात मैं बता देता हूँ, एक और बात, इतने लोग है ना, इतने लोग यहाँ पे 75% हमारे यादव भाई लोग हैं, और वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हम फंसेंगे तो तेजस्वी जी फोन उठाए या ना उठाए, नीतीश जी फोन उठाए या ना उठाए, मोदी जी फोन उठाए या ना उठाए, अगर मनीष कश्यप सांसद बनेगा उसके दरवाजे पे जाएंगे तो वो हमारा काम जरूर करेगा। 75% ज्यादा जरूर वोट दे, लेकिन चंपारण में मनीष कश्यप को वोट देंगे, इन लोगों को पूरा भरोसा है। पूछिए।